Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Ayush and you are watching the very first episode of Spiti series. So guys, finally the time is here when we are going to Spiti. Spiti jisko matlab mostly logon ko pata hai, jisko nahi pata that is Spiti jisko hum kehte hain middle land. Middle land is the land in between India and Tibet. ठीक है, तो इंडिया और तिब्बत के बीच की ये बेसिकली लैंड है स्पीति वैली. और इसको स्पीति वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ से स्पीति रिवर फ्लो हो रही है. ठीक है, इसलिए इसका नाम स्पीति वैली है. और बेसिकली ये जो रहने वाला ट्रिप, दिस इज अ कंप्लीट सर्किट. हम जैसे वैसे तो अभी मैं अलीगढ़ में हूँ, ठीक है, घर पे. यहाँ से मैं जाऊँगा गाजियाबाद, कुछ ऑफिस का काम है. आफ्टर दैट हमको बस पकड़नी है दिल्ली से, दिल्ली मजनू के टीला से बस है हमारी वॉल्वो, जो कि हमें शिमला ड्रॉप करेगी. शिमला से हम उठाएंगे बाइक, हिमालयन रेंट करने का सोचा है. हिमालयन ही बेस्ट है, ठीक है, एज पर द लद्दाख एक्सपीरियंस. तो वही हिमालयन लेंगे और फिर उसके बाद वो जो सर्किट है कंप्लीट वो है शिमला से स्टार्ट होगा. शिमला टू टापरी, नारकंडा, आफ्टर दैट नाको, टाबू एंड देन काजा, जो कि स्पीति का मेन टाउन है. वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टे है. वहाँ के आसपास काफ़ी एरिया है, हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, तो ये सारी चीज़ें हैं. काफ़ी कुछ कवर करने को है. तो पूरा जो टाइम स्लॉट होने वाला है वो पूरा 7 से 8 दिन का ट्रिप होने वाला है. तो इसको करते हैं कंप्लीट और वापस आके हमें वहाँ से काजा से फिर मनाली, जो कि बहुत डेंजरस पैच है. डेंजरस इन द सेंस पूरी ऑफ रोडिंग है, तो वो करना है. उसके बाद काजा टू मनाली, मनाली टू वापस शिमला. और तो इस तरह से एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा शिमला टू शिमला का. तो दिस इज कॉल्ड एज स्पीति सर्किट. तो वो करने वाले हैं. अब तक व्लॉग में देखा था, काफी टाइम से वेट हो रहा था इस ट्रिप का. आई एम वेरी एक्साइटेड. वो अभी चलते हैं, मिलते हैं सीधे शिमला में. मीनवाइल यू कैन सी दैट हाउ इज द जर्नी इन बिटवीन अलीगढ़ टू शिमला. डोसा आ चुका है, मैंने लिया है डोसा और लस्सी. ठीक है, टाइम हो रहा है अराउंड 12 बजे. अभी पूरा डिनर का एंड ऑफ करके बस में बैठेंगे, फिर सीधे सुबह उतरेंगे शिमला. तो गाइस मिल चुके हैं 4 हिमालयन बाइक और ये हमने रेंट करी है शिमला राइडर से. तो वापस चलते हैं अपने लोगों के पास, वो एक जगह खड़े हुए हैं, वहाँ से उनको पिक करते हैं, बैग वैग बांधते हैं, फिर चलते हैं. तो गाइस फाइनली सारे निकल लिए हैं, सारे वो उधर प्रशांत हो गया, राजेश इसका हो गया, अंदा उधर जा रहा है, और ये हो गई अपनी बाइक. सारे बैग वैग सेट कर दिए हैं, प्रशांत अब पीछे निकल रहा है. इस टाइम पर शिमला में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है, लाइक वहाँ से जहाँ से बाइक रेंट करी है वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लग चुका है. तो गाइस फाइनली अब ट्रिप स्टार्ट हो चुका है. शिमला आ गए थे सुबह 7 बजे और सुबह 7 बजे आने के बाद हमारा केवल आज का प्लान ये था कि हमें बाइक लेनी है और बाइक भी अच्छी कंडीशन में लेनी है. ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जैसे भी लद्दाख गए थे तो लास्ट टाइम जो बाइक्स हमने ली थी तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे. तो आज हमने काफ़ी देख के बाइक ली है, होप सो लाइक बाइक सही बिहेव करें और पूरे ट्रिप पे हमारे सही साथ दें. तो अभी शिमला में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो सारा ट्रैफिक कवर करते हुए क्रॉस करते हुए हम आ चुके हैं. वी आर ऑन द वे टू नारकंडा. तो आज का प्लान तो वैसा टपरी जाने का था, लेकिन टपरी इज़ अराउंड कितना, अराउंड 200 किलोमीटर्स. तो अभी तो नहीं लगता, और 3 बज रहे हैं तो अभी तो नहीं लगता कि हम वहाँ टपरी तक पहुँच पाएंगे. देखते हैं मैक्सिमम आज कितना कवर करते हैं, क्योंकि कल रात को भी वॉल्वो में सोए हैं तो इतना ज़्यादा बॉडी को रिलैक्सेशन मिला नहीं है. तो होपफुली आज नारकंडा या रामपुर ऐसे प्लेस पर रुकेंगे जो कि लाइक अराउंड बात करें तो 57 और 100 के अराउंड है. तो वही प्लान है. सो गाइस अगर बाइक की बात करें तो बाइक में देख सकते हो हमारे पास जो हमने 4 बाइक ली हैं, 4 में से लाइक 2 BS6 हैं. तो ये एक BS6 है और एक ये BS6 है जो हम चला रहे हैं. ठीक है, बाकी ये वाइट वाले दोनों BS4 हैं. तो बस सामान सारा लोड हो चुका है और हम 7 लोग हैं. ठीक है, तो एक बाइक पे केवल एक बंदा और सारा सामान, बाकी पे सब पे एक एक बैग या दो दो बैग हैं.
तो उस तरह से अभी बस ये पार्क किया है, उसके बाद चलते हैं खाना खाने। और निशान निशान तैयार हो गया है एकदम। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब मैं अभी इसी को राइड कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है मैं और निशान थे इस बाइक पे, तो हम दोनों इस पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो हमने इस पे सारे बैग बांध दिए। ठीक है, तो अभी हम चला रहे हैं एक ये वाली बाइक, ये भी BS6 है, बाकी सब रेडी है। निशांत रेडी? रेडी, ऑल गुड। मज़ा आ रहा है दीपक? भूख लगी है, मज़ा आ रहा है, भूख लग रही है। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह बस हल्का सा ब्रेकफास्ट ही किया था। और अभी का व्यू देखोगे, पता नहीं क्यों इतनी धुंध सी क्यों मची हुई है, या तूफान आ रहा है पता नहीं, लेकिन जो सामने की पहाड़ियाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके हुए हैं, और ये प्रशांत भी अपना व्लॉगर है, तो ये स्टार्ट करने वाला है। हाँ, कह रहा है एक एक करके करो वरना बसड़ हो जाती है। रील वाला सेलिब्रिटी है ये, बस ऐसी गाने गा गा के घूम रहा है कि इसमें यही गाना लगना चाहिए। फीलिंग तो हमारी हुई थी, मतलब एक बाइक पे जाएंगे, पर कुछ अननोन सर्कमस्टेंसेस की वजह से फिर मुझे आयुष के साथ पार्टनर अप होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना, अब जैसे हम बाइक पे बैठ रहे हैं, तो बाइक पे बैठने का ना सबसे ज़्यादा बड़ा वो डिस्कशन क्या है ना, कौन किसके साथ बैठेगा, सेटिंग बैठानी पड़ती है एक दूसरे से, क्या मेरे साथ बैठेगा मेरे साथ बैठेगा, तो वही सेटअप पूरा हुआ है। चलती है गाइस, सब कुछ चलता है। तो लद्दाख में इन दोनों का व्लॉग था, सुशांत तो निशांत व्लॉग, बारिश। लेकिन इस बार एक चीज हमने बहुत बढ़िया करी है, हम कंटेंट का सेटअप पूरा लेकर बाइक बाइक हेलमेट माउंट वाउंट लौटने में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अभी गिम्बल निकाल के घुमा दूंगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन गाइस एक बात है, हम कभी भी 4 बजे से पहले निकलते नहीं। चार बजे ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी, चार बजे से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, और अभी हम शिमला से निकले हैं। अब हम अंधेरों में भटकेंगे यहाँ के, कुछ देर बाद अभी अंधेरा हो जाए। बाइक वाला क्या कह रहा था? बस फाइनली खाना आ गया, सब ने रात में चावल लिया ऑलमोस्ट, किसी ने कुछ नया लिया? हाँ, दाल चिकन चंगेजी आ गई तेरी, रात में चावल ही खाएगा। ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट है। ये भाई अपनी स्टोरी बना रहा है, बढ़िया। बैठ रहे क्या? सुबह सब खाना खा लिया है, सबने राजमा चावल खा लिए हैं, और अब चलने को सब रेडी हैं, बस निकलते हैं, अब नहीं रुकेंगे, अब बिल्कुल नॉन स्टॉप चलना है। कितना सुंदर है मतलब, और बात यहाँ पे आइस ब्रो राइड करते हुए और पूरे कर्व्स को फील कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। सुबह जब हम आ चुके हैं थ्योग में, ठीक है, ये अराउंड जो हम लास्ट स्टॉप था उससे 27 किलोमीटर आ गया, और मेनली सीन क्या था, मतलब सबको ठंड लगी थी, राइडिंग जैकेट तो मिली नहीं, तो सब अपने अपनी जो जो जैकेट लेके आए थे वो सब ने पहन लिया और रेडी हो चुके हैं। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मोस्टली फार्मिंग है एप्पल की होती है, और उसे मतलब बारिश या ओस से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, इन्हें कवर करते हैं। देखिए जैसे ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये एप्पल की फार्मिंग होती है, और ये इन्होंने उसे बचाने के लिए इन्हें कवर अप किया। सुबह अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, धीरे धीरे ठंड ना बढ़ने लगी है, और ठंड ज़्यादा लग रही है, तो मैं भी थोड़ा आगे चल के रुकते हैं, कुछ इनर वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि कुछ अंदर पहना नहीं हुआ, दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी की और ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड, और धीरे धीरे शाम भी होने लगी है, तो अभी जितना रास्ता कवर कर देंगे उतना कर देंगे।
भाई अब ठंड लगने लगी है, हम लोग नारकंडा पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ठंड प्रशांत को ठंड लग रही थी तो वो अपना चेंज कर रहा है, मेनली अंदर वार्मर वगैरह डाल रहा है तो वो डालने का स्विच चलते हैं। और अभी का नज़ारा कुछ कुछ ऐसा है, शाम होने लगी है, टाइम हो गया 6:30। जैकेट तो हमारी तगड़ी है, हमको केवल एक ही जैकेट मिली है, वो हमने इसको दे दिया है। बढ़िया लग रही है वुडलैंड, ऐसे ठंड लग गई ज्यादा चढ़ेगा भाई। चले दीपक पावर बैंक दे दे, चार्ज हो गया अब तो, फास्ट चार्जर है इसमें भी। अबे यहाँ से ले ले जा कुछ लेंसेस बात। फाइनली सनसेट भी होने ही जा रहा है ऑलमोस्ट, सामने से व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और अभी का मतलब अभी की खासियत ये है, शाम होने लगी है और जो भी रोड है उस पर ट्रैफिक कम होने लगा है, तो बस वही है अभी ड्राइव करने मज़ा आ रहा है। लेकिन यही है धीरे धीरे करके सनसेट भी हो जाएगा और पूरा पूरा अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी पहुँचना है, चलते हैं। बाकी देर यू कैन सी रोड अभी काफ़ी अच्छी है, शिमला टू या रामपुर और यहाँ से थोड़ा आगे जो भी जाएंगे ना तो रोड अच्छी मिलनी है। वो मेन जो स्पीति का एरिया आएगा नाको टाबू, उस एरिया में थोड़ी सी रोड ख़राब हो सकती है। चारों लड़के अपने जा रहे हैं तेज रफ्तार में एकदम, ये बेटे क्या कर मार रखा है। तो बस वही है, बैलेंस बना होना चाहिए गाइस, बाइक का बैलेंस अगर बना हुआ है तो बाइक स्मूथ चलती रहेगी, बाकी का उस पर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि सामने से जो एकदम ट्रक आ रहा होता है ना, अभी तो ट्रैफिक नहीं है तो ट्रैफिक होता है, ट्रक आ रहा होता है तो उस टाइम काफ़ी कर्व्स पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो एकदम दंदनाते हुए चलाते हुए जा रहे होते हैं और अगले साइड को नहीं पता क्या होना है। सो गाइस बड़ी समस्या है, क्या हो गया, बार बार ब्रेक मारो तो ब्रो आ गया जाते हैं, अगर एक बार दिक्कत क्या है ना यहाँ पे बचता ही स्पेस, जैसे जैसे ब्रेक लगता है ना बार बार आगे पहुँच जाता है, जगह नहीं होती। पर अगर डाल देना अपना बाइक ले जाएगी साथ में, डाल दे सारे छिलके डाल, केला भी डाल, छिलके खा लेते हैं भाई, अभी छिलके भी खा लेंगे यार, उनका भी बायो ही है। सुबह शाम के 7:30 बजने वाले हैं, ठीक है, और हम आ चुके हैं किंगगल, एक प्लेस है वहाँ पर, तो यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया है और जो हमारा रामपुर है जहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हैं, जमीन से जुड़ी जगह वो, मतलब हम अभी ऊपर से उतर ही रहे हैं। सो गाइस ब्रेक कंप्लीट हो गया, बस निकलते हैं यहाँ से और रामपुर पहुँच जाएंगे 1 घंटे में अराउंड 8:30 बजे तक, फिर वहाँ देखना है कहाँ स्टे करना है। सो गाइस रात हो चुकी है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया, केवल बाइक की रोशनी है जो दिख रही है। और दिक्कत क्या है, कल से रात में राइड नहीं करेंगे, दिक्कत क्या है कुछ दो बाइक की ना रोशनी काफ़ी कम है, बिल्कुल साथ साथ चलना पड़ रहा है और चलते हैं धीरे धीरे पहुंचते हैं रामपुर तक। सो गाइस हम रामपुर आ चुके हैं, सारी बाइक पार्क कर ली है, सारा सामान अनलोड हो गया है, दिस गाइस इज हैविंग द सेम स्टफ, वही सुबह से शाम तक हैंकर चल दिए हैं, आ गए हैं खा लिया है पी लिया सो रहे हैं। अरे इसकी गेंद बात हो रही है। और अब बस डिनर ऑर्डर कर दिया, डिनर करने के बाद मस्त सोएंगे, सुबह उठना जल्दी, कल का बहुत ही मतलब बढ़िया प्लान कर लिया हमने, सुबह 7 बजे निकलेंगे ताकि दिन में कैप्चर करें चीजें, और क्योंकि रात में कुछ कैप्चर हो नहीं पाता, क्यों निशान कहाँ जाने वाले हैं। तो कल हम मतलब सुबह जाएंगे चिटकुल जो कि लास्ट विलेज है इंडिया का तिब्बत बॉर्डर से, उसके बाद हम थोड़ा सांगला एक्सप्लोर करेंगे और फिर सनसेट देखने हम कल्पा वैली जाएंगे,
जहाँ से किन्नर कैलाश की रेंज दिखती है और कल का स्टे हमारा कल्पा पे ही है, तो हम ट्राई करेंगे कि सुबह जल्दी जाए और मोस्ट ऑफ थिंग्स। 6 बजे सनसेट देखने के, 6 बजे क्यों, शाम को 6 बजे भाई, 5 बजे 6 बजे का बाइक नहीं चलाएंगे, कल्पा पहले पहुंच जाएंगे। हां सनसेट देखेंगे ना कल्पा का फेमस, देख ले पूरी सांगला वैली और चिटकुलो सबको, बहुत टाइम है हमारे पास, टाइम बहुत है। आज का सीन क्या है ना, मतलब बाइक में बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं, तो हम यही प्लान कर रहे हैं कि हम रात में राइड ना करें, दिन में ही करें। होपफुली डे वन जो है स्पीति का जो स्टार्ट हुआ है वो आपको आई डोंट नो कैसा लगा होगा, लेकिन हम हमारे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी रहा है और राइड स्टार्ट हो गई तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और होपफुली आपको लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और अगर यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो या सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस फाइनली अब ट्रिप शुरू हो चुका है, ठीक है, सुबह से पूरे बाइक वाइक में लगे हुए थे, तो बाइक रेडी हो चुकी है, मम्मी का फ़ोन आ रहा है,